नाउ इन द एट पार्ट सेज ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलीस। आइसोसेलीस का मतलब होता है दो साइड सी कॉलम। सो वी कैन अंडरस्टैंड ए बी भी हमारा 7.5 है एंड ए सी भी हमारा 7.5 है। एंड देन दे आर सेइंग हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी। ये जो हाइट ए डी है वो किसके ऊपर स्टैंड कर रही है? इट इज ऑन बी सी। इज 6 सेंटीमीटर सॉरी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो हम इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके। बेस इस केस में हम बी सी लेंगे, हाइट हम ए डी लेंगे, क्योंकि बेस सी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है हमारी? ए डी। सो हाफ एज इट इज, बी सी की जगह 9, ए डी की जगह 6। 2 से 6 कैंसिल, 3 आ गया, 9 into 3 is 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इन द सेकेंड पार्ट दे आर सेइंग व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, दैट इज सी ई। हमें किसकी हाइट निकालनी है? अब सी ई की। और सी ई के रिस्पेक्ट में बेस क्या है हमारा? किसके ऊपर स्टैंडिंग है इस हाइट की? ए बी के ऊपर। सो इन द सेकेंड वन एरिया वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह 27 लिखोगे, हाफ एज इट इज, बेस की जगह 7.5 एंड देन हाइट की जगह ई सी या सी ई जो आपका मन करे। अब 27 लेफ्ट साइड जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 54। राइट साइड पे 7.5 टाइम्स ई सी वुड बी द, तो 7.5 से डिवाइड कर देते हैं ई सी फाइंड आउट करने के लिए। सो वी हैव इज 54 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है, सो द रिजल्टेंट हेयर वुड बी 7.2 सेंटीमीटर एज ई सी। ई सी की वैल्यू कितनी आ गई या सी ई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7.2 सेंटीमीटर।